पलवल जिले में सभी 689 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए लोगों की लंबी लाइनें नजर आई। जिला उपायुक्त यशपाल ने बताया कि जिले में चुनाव के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करें। उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान आपसी शांति व सौहार्द बनाए रखें। पूरे जिले में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इन 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 689 बूथ हैं। इन 689 बूथ्स में से लगभग 8 बूथ क्रिटिकल हैं और लगभग 90 बूथ ऐसे हैं जो वल्नरेबल माने गए हैं। तो इन बूथों पर बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। वहाँ पर जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हमारी को मिली है वो डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा उन पर अगर कोई और किसी तरह की आपात स्थिति आती है तो उसके लिए एडिशनल फोर्स उसमें से रखी गई है जो 3-4 लेवल के ऊपर रहेगी। बूथ के ऊपर पहले एडवांस में डिप्लॉयड रहेगी। उस एरिया का जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा उसके साथ में पुलिस फोर्स रहेगी। उस एरिया का जो SHO होगा उसके पास में होगी। जो DSP कंसर्न है उनके साथ में होगी और मेरे लेवल पर SP साहब के लेवल पर एक यूनिट यहाँ पर रहेगी। तो काफ़ी संख्या में हमारे पास में पुलिस फोर्स है जो बाहर से आई है। इसके अलावा हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है उसकी ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं। तो सफिशेंट मात्रा में पुलिस फोर्स है और लोगों को जितने भी उनकी वरीज़ हैं उनके हिसाब से भी, और हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स थे या हमारी जो ऑफिशियल मशीनरी है पुलिस की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके माध्यम से हमारे पास जो इनपुट आई थी उसके हिसाब से सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। तो लोगों को किसी तरह से भी कोई अगर रोकता है तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करने के पुख्ता इंतज़ाम हम लोगों ने किए हैं और लोग फ्री एंड फेयर मैनर में बाहर आकर अपना वोट डाल सकते हैं बिना सुरक्षा की चिंता किए हुए। जिला प्रशासन उनकी सुरक्षा का आश्वासन देता है, पूरा ख्याल रखेगा। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।